हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो हम लोग देख चुके हैं इसके पहले के बहुत सारे सीरीज को हम लोगों ने देखा, ये हमारा नेक्स्ट सीरीज हो जाता है। तो हम लोग यहीं पे समाप्त किए हुए थे, आप देख सकते हैं। हमारा अंतिम सवाल था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था? तो ये हो जाता है किर्क पैटिक शिष्टमंडल के द्वारा, यही हमारा लास्ट प्रश्न था। तो आते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं यहाँ से। और आपके 69 बीपीसी को अगर ध्यान में रख के ये कहा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका ये सीरीज है। टोटल संपूर्ण मॉडर्न इंडिया का आपका एक रिवाइज हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन आपका ये मटेरियल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सवाल है कि राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, कहता है यहाँ पे कि राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सवाल ये है कि राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना पूछता है कि कौन किया? तो ये हो जाएगा वीर सलिंगम पंतूल ने किया था, ठीक है। इसका नाम होता है वीर सलिंगम पंतूल ने किया था। अगला सवाल देखिए, 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था? तो ये हो जाते हैं आर रीज ने ये बात कही थी, एल ई आर रीज ने ये बात कही थी, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह को कहता है किसने कहा था, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था, ठीक है। अगला देखिएगा, बंग भंग आंदोलन के समय कहा जा रहा है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होता है, 1905 की बात है। तो ये हो जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही बीबीआई है, कहता है कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय को पोस्ट डेटेड चिक कहा कहकर ठुकरा दिया? पोस्ट चिक जो आपको डेट है, ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय को महात्मा गांधी ने ये बात कह के ठुकरा दिया? तो ये हो जाएगा आपका क्रिप्स मिशन हो जाएगा। और क्रिप्स मिशन से संबंधित जो सवाल है ये बीपीसी में बहुत बार प्रश्न पूछ दिया है। अगला सवाल देखिएगा, कहता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। और ये सवाल पूछा गया है आपके बीपीसी में। कहता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया तो पूछता है कि उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, गांधी इरविन समझौता आपको 1931 में हो जाएगा। कब? तो 5 मार्च 1931 को हो जाता है। अगला सवाल है, कहता है कि 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन 1922 की बात करेंगे यहाँ पे तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा होता है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो साइमन कमीशन के बारे में देखेंगे तो साइमन कमीशन जो है, देखिए साइमन कमीशन 1919 का जो अधिनियम है उसी के समीक्षा हेतु ये आया, लेकिन साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, ठीक है। इसी वजह से भारत के लोगों ने सबसे ज़्यादा विरोध किया। और ये भारत कब आता है? तो 1928 में हो जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम आप लोग। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना है? तो कौन हो जाता है, प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। पहला, दूसरा, तीसरा भी पूछा है, और चौथा की अगर बात कर दें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। तो बात करते हैं, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना, विनोबा भावे को चुना, और दूसरा जवाहरलाल नेहरू को चुना, और तीसरा ब्रह्मदत्त को चुना, और चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना। चौरी चौरा हिंसा के कारण गांधी जी ने 1922 में कौन सा आंदोलन को वापस ले लिया, स्थगित कर दिया? तो ये हो जाता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी ने इसी में ये बात कही थी कि मैं एक ही साल में स्वराज्य को प्राप्त कर लूँगा। बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाने वाली पुस्तक कौन सी है? बंगाली देशभक्ति की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो ये आपको आनंद मठ हो जाता है। क्या हो जाएगा? आनंद मठ को कहा जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कहता है कि संभलपुर, जैतपुर, बघाट
किस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज्यों में मिलाया गया था, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। और ये जो थ्योरी दिया था डलहौजी ने दिया था, ठीक है। और डलहौजी ने सबसे पहले सत्तारा को अपने राज्यों में मिलाया था। और ये सिद्धांत होता है गोद निषेध सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लक्स, लक्स हो जाएगा हड़प की नीति के तहत, ठीक है। अगला देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था। देखिए, ये वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध किया था, क्योंकि यही व्यक्ति है जिन्होंने ये बात कह दी थी तिलक को कहा कि ये भारत के अशांति के जनक हैं। यही वजह था कि इन्होंने इस व्यक्ति पे मानहानि का मुकदमा ठोक दिया, ठीक है। मद्रास में होमरूल लीग के प्रधान नेता कौन हो जाते हैं? अगर बात करें हम लोग मद्रास में होमरूल लीग की स्थापना कौन करते हैं, प्रधान नेता कौन हो जाएंगे, तो सुब्रहण्यम अय्यर हो जाते हैं। होमरूल लीग की स्थापना सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक करते हैं, और सितंबर में बात करें तो एनी बेसेंट करते हैं। अगर बिहार की बात करेंगे तो मजहरुल हक हो जाते हैं, और बात यहाँ मद्रास की हो रही है तो सुब्रहण्यम अय्यर हो जाते हैं। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया, ठीक है। तो ये रोलेक्ट एक्ट हो जाता है जो 1919 में आया था, ठीक है, और इसी को काला कानून के नाम से जानते हैं। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने कैसरी हिंद की उपाधि को त्याग दिया था, ठीक है। और इसके विरोध में बहुत सारे आंदोलन और बहुत सारे जागरण होना शुरू हो गया था। अगला देखिए, कहता है कि 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना हो, इसके प्रथम सचिव कौन होते हैं? तो ये देखिए, भगत सिंह हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो भगत सिंह हो जाते हैं, जिनकी फांसी आपको 1931 में दी जाती है। इनके साथ राजगुरु और सुखदेव भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखिए, नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों के दो प्लाटूनों के अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया, इन प्लाटूनों का नेता कौन था? तो चंद्र सिंह गढ़वाली हो जाते हैं। कौन होते हैं? चंद्र सिंह गढ़वाली हो जाते हैं। गांधी जी अपने प्रसिद्ध डांडी मार्च में कितने चुने हुए अनुयायियों को साथ लेकर साबरमती आश्रम से चले थे? तो कितने अनुयायी थे? तो देखिए 78 ये हो जाते हैं। और बात कर दे कि कांग्रेस में पहला जो अधिवेशन होता है उसमें सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 72 हो जाता है, ठीक है। और ये देखिए डांडी मार्च में सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो 78 होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, कहता है यहाँ पे कि कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग अपनी किस अधिवेशन में की थी? तो स्वराज की मांग देखेंगे कलकत्ता अधिवेशन है, 1906 में होता है। कौन सा? तो कलकत्ता अधिवेशन देखेंगे यहाँ पे, 1906 में होता है। अगला सवाल, 1857 में मेरठ छावनी में विद्रोह का दिन क्या था? तो दिन देखिए 10 मई हो जाता है। 1857 में मेरठ छावनी में विद्रोह का दिन क्या था? तो 10 मई हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कहता है 1857 के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदारी नहीं की थी? किसने नहीं किया था? देखिए ये हो जाते हैं आपके शिक्षित मध्यम वर्ग हो जाते हैं, इन लोगों ने बिल्कुल साथ नहीं दिया था। इनको ये बात पता थी कि मात्र मुट्ठी भर लोग ही लड़ रहे हैं, वो भी अपने फायदे के लिए। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूनिटी, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये चार्ल्स बॉल हो जाते हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग की अफवाहें थी। अगला देखते हैं हम लोग, किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? कहता है कि बताइए किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो ये अकबर द्वितीय हो जाते हैं, याद रखिएगा। कौन देते हैं? बहुत भी अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया जाता है। हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर के त्रावणकोर के गांव में चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? देखिए बायकोम आंदोलन था। और सबसे बड़ी बात है कि शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करिएगा कोई भी आदमी, वरना जेल हो जाएगी, ठीक है, वरना बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। हरिजनों का मतलब ये महात्मा गांधी के द्वारा ये बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। अभी इसको बैन लगाया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इस पर बैन लगा है, कोई भी आदमी ये शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वरना
उसे कठोर कारावास की सजा भी मिल सकती है। ठीक है, तो देखिए हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर, मतलब इसको यहाँ पे आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बोल सकते हैं। ठीक है, त्रावण कोर कहाँ पे, तो त्रावण कोर के गांव में चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था, तो बैकोम आंदोलन था, याद रखिएगा। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष पूछता है कौन है, तो देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाते हैं और इसकी स्थापना आपको 1936 में किया जाता है। 1854 के बुड के घोषणा पत्र में किसके विकास पर जोर दिया गया था, तो कौन हो जाएगा, ये माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर जोर दिया गया था, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर विशेष करके जोर दिया गया था इसमें। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला सवाल है कि एनी बेसेंट ने, कहता है कि एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होमरूल आंदोलन का मुख्य प्रचारक बन गया था, तो ये न्यू इंडिया हो जाता है। न्यू इंडिया किसका लिखा गया है, तो एनी बेसेंट का। देखिए सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये बंगाल में हुआ था, कहाँ पे, बंगाल में। कहता है कि किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अचानक अपने नाम में परिवर्तन करके, यानी कि बंगला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया, और ये हो जाता है आपका अमृत बाजार पत्रिका। कौन सा है पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात ये क्या हो जाता है, देखिए बंगाली से अंग्रेजी में परिवर्तित कर लेता है और ये पत्रिका होता है अमृत बाजार पत्रिका। अगला देखिए, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठी चार्ज से चोटों के फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हो गई, और ये हो जाते हैं लाला लाजपत राय। यही वजह था कि भगत सिंह गुस्से में आकर के सॉन्डर्स की क्या कर दिया, हत्या कर दिया। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किस अधिनियम से हुआ, जो बहुत ही बीबीआई है, ये आपको 1919 के एक्ट के माध्यम से किया जाता है, और यही एक ऐसा क्रिएट कर देता है, एक ऐसा बीज से पौधा और विशाल जो पेड़ बनता है, जो भारत और पाकिस्तान के रूप में, आप एक अलग देश पाकिस्तान के रूप में देख सकते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया, तो 1935 के अधिनियम से होता है। कौन सा, 1935 के अधिनियम से ये हो जाता है आपका। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, अगला देखिए, साइमन कमीशन के विरोध के समय, कहता कि साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया गया, कौन हो जाता है, मंजर सेना हो जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच रिपोर्ट किस समिति ने दी थी, तो हंटर समिति ने दिया था इसको, हंटर समिति, याद रखिए बहुत ही भीवीआई है। कहता कि भारतीय राज्यों तथा परमोच्च शक्ति के बीच संबंध किस समिति की रिपोर्ट में दिया जाता है, तो ये देखिए बटलर समिति की रिपोर्ट में हो जाता है। कौन सा, तो बटलर समिति। कहता है कि वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन के कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर दिया, तो कौन हो जाते हैं, ये क्रांतिकारी हैं आपके, उधम सिंह। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कौन तीन भाई स्वतंत्रता की बलि वेदी पर चढ़कर अमर शहीद हुए थे, जिनको हम लोग चापेकर बंधु के नाम से जानते हैं, ये दामोदर हो जाते हैं, बालकृष्ण हो जाते हैं और वासुदेव चापेकर हो जाते हैं, ये तीन आदमी हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, अलीपुर जेल का एक बाली गवाह कौन था, अलीपुर जेल का एक बाली गवाह कौन था जिसकी सत्येंद्रनाथ बसु आदि ने हत्या कर दी थी, तो ये हो जाते हैं आपके नरेंद्र गोसाई हो जाते हैं। इनका नाम क्या होता है, नरेंद्र गोसाई हो जाता है। सीएफ एंड्रूज किस उपनाम से जाने जाते हैं, सीएफ एंड्रूज किस नाम से जाने जाते हैं, इनको दीन बंधु भी बोला जाता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुए, तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था,
उस समय रेडियो से प्रसारण किया था, उषा मेहता के द्वारा किया गया था। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, तो सी आर दास हो जाएंगे और ये मोतीलाल नेहरू हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था, तो ये आपको 1929 में हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में 1929 में इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था, तो ये चंद्रशेखर आज़ाद हो जाते हैं। अगला सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो 1906 में हुआ था और ये ढाका में किया गया था, किसके द्वारा, तो देखिए आगा खां के द्वारा होता है। कौन? आगा खां के द्वारा, सलीमुल्ला खां भी होते हैं। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर लौटो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी हो जाते हैं, प्रथम मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष हो जाते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला कहता है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन इकोनॉमिक ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ये दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं। आपके, और इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, जिसके माध्यम से भारत के जनमानस और भारतीय लोगों को और भारत में रहने वाले जो शिक्षित लोग थे, जो नहीं पढ़े लिखे थे उतना, वो भी इनके माध्यम से समझ गए कि अंग्रेजी जो सरकार है, ईस्ट इंडिया जो कंपनी भारत में रह रही है, उन्हीं के द्वारा ये भारत का शोषण होता है, उन्होंने एहसास दिलाया था। तो बंग भंग विरोधी आंदोलन किस तिथि से प्रारंभ हुआ, तो सात, यहाँ देखेंगे हम लोग, 7 अगस्त 1905 से 16 अक्टूबर 1905 हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान के लिए राष्ट्रकवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई है, राष्ट्रकवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को। देखिए कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान के लिए राष्ट्रकवि की उपाधि किसको, तो मैथिली शरण गुप्त को। गुरुवायूर सत्याग्रह के लिए किस नेता ने आमरण अनशन किया था, तो के कलप्पन हो जाते हैं, याद रखेंगे आप लोग। लॉर्ड कर्जन ने, कहता है कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था, यह विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ, तो यह 1912 में समाप्त होता है, 1911 में। कहता है कि गांधी जी ने किसे अपना राजनीति गुरु मानते थे, ये हो जाएंगे आपके गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं, जिनको महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया था। अगला सवाल देखेंगे, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना था, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हो जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं, लाला लाजपत राय किस घटना में पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए थे, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये हो जाता है साइमन कमीशन के विरोध में किए गए प्रदर्शन से हो जाता है। अगला देखिए, 1920 में हुए मोपला आंदोलन के 1920 में हुए मोपला आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में कौन चर्चित थे, तो अली मुसलियार हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही वीवीआई हो जाता है। कौन हो जाते हैं, तो अली मुसलियार हो जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना, कहता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1924 में हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया, कौन हो जाते हैं, तो ये देखिए शंकरन ने दिया था। यहाँ पे किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने केसरे हिंद पुरस्कार को लौटा दिया, कब, तो असहयोग आंदोलन।
यहाँ पे देखिए, यह पुरस्कार गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग के बदले में मिला हुआ था, कैसरे हिंद और बाद में रोलक्ट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के वजह से इन्होंने इस पदक को क्या किया, लौटा दिया। अगला सवाल है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था, क्योंकि इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, ठीक है, किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। अगला देखिए, कहता है कि इंडियन मिरर किनकी कृति है, इंडियन मिरर किसका लिखा हुआ है, तो ये हो जाते केशव चंद्र सेन हो जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को किन दो क्रांतिकारियों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था, बटुकेश्वर दत्त हो जाते हैं और ये भगत सिंह हो जाते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने के फलस्वरूप कब फांसी दी गई थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये 12 जनवरी 1934 हो जाता है, याद रखिएगा। सूर्य सेन के नाम से प्रसिद्ध है, सूर्य सेन के नाम से प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं, गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही तथा दूसरे सत्याग्रही कौन हो जाते हैं, तो पहला आपको विनोबा भावे हो जाते हैं, विनोबा भावे, और दूसरा जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। अगला सवाल देखेंगे, बहुत ही अच्छा है ये, आपको साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उसके विरोध में लाला लाजपत राय को जब सॉन्डर्स के माध्यम से जब लाठी लगी थी सर पे, उसने मार दिया था जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो गई, उसी समय लाला लाजपत राय ने ये बात कही थी कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक किल होगी, यह किस भारतीय ने कहा था, तो लाला लाजपत राय ने ये बात कही थी। अगला देखिए, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हो जाता है, किसमें, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, साम्यवादी अतिवादी नेता एमएन राय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर 1940 में किस दल की स्थापना किया था, तो इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना इन्होंने किया था, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया, तो ये कैप्टन मोहन सिंह हो जाते हैं, याद रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह हो जाते हैं। मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा हो जाता है। अछूतों द्वार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में किसने किया था, तो ये शिंदे हो जाते हैं, शिंदे ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था, तो ये आगा खां महल हो जाता है, जो आपको पुणे में है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने कब दिया था, ये असहयोग आंदोलन के समय में उन्होंने ये बात कही थी कि मैं एक वर्ष के अंदर ही स्वराज को प्राप्त कर लूँगा 1920 में। सैडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की थी, तो शिक्षा पर हो जाता है। सेडलर आयोग का संबंध पूछा जा सकता है कि किससे है, तो शिक्षा से हो जाएगा। कहता है कि कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ था, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना किया गया था। अगला देखिए, कहता है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस किस अवसर पर मनाया था, तो जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा दिया था। अगला देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग में से, कहता है कि क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग में से किसने अस्वीकार कर दिया था, तो ये दोनों ने किया था, ठीक है, किसने, कांग्रेस को किसने किया था, कांग्रेस और लीग ने, याद रखिएगा इसको। अगला देखते हैं हम लोग, कहता है 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने कहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया था,
1857 के विद्रोह में कहता है कि नाना साहब ने कहाँ पर विद्रोह किया था, तो ये कानपुर हो जाते हैं, ठीक है, कानपुर से नाना साहब होते हैं, याद रखेंगे आप लोग। अवध को अंग्रेजी राज में मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया, तो अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगा करके अवध को क्या किया गया, अपने साम्राज्य में मिला गया। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया, बहुत ही वीवीआई है, अवध को किस आधार पर अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य मिलाया, तो ये हो जाता है कुशासन के आरोप लगा करके। सन्यासी विद्रोहियों ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई, ये बोगरा एवं मैमन सिंह हो जाते हैं, ठीक है। 1840 के लगभग किसने कूका आंदोलन आरंभ किया था, कूका आंदोलन किसने आरंभ किया, तो ये हो जाते हैं राम सिंह ने, गुरु राम सिंह के द्वारा ये होता है। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो सर विलियम जोन्स हो जाते हैं, जो बीपीएससी में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और ये बहुत ही वीवीआई हो जाता है। कौन सा, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स करते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, अगला सवाल देखिए, मेरठ षड्यंत्र केस जो है मुख्यतः किसके विरुद्ध था, तो मजदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं के ये विरुद्ध था, ठीक है। अगला देखेंगे, कहता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस अंग्रेजों ने 1857 के भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, तो डिजरेली ने दिया था, ठीक है। कहता है कि बहिष्कृत भारत जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, बहिष्कृत हितकार जो है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा भी है और बहिष्कृत भारत भी है, पत्रिका का किसने प्रारंभ किया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाते हैं। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था, तो ये हो जाते हैं आपको महात्मा गांधी के द्वारा होता है। प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये देखिए 1936 हो जाता है, क्या हो जाता है, 1936 हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध था किससे, तो अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया से, ठीक है। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी ने भारत में अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था, तो ये चंपारण सत्याग्रह में किया था, कहाँ पे, तो बिहार हो जाता है। कांग्रेस का 50वां अधिवेशन कहाँ और किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ, तो ये फैजपुर हो जाता है 1936 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पर की थी, तो ये आपको बेलूर हो जाता है, कहाँ पे, तो बेलूर हो जाएगा। बहावी आंदोलन के प्रणेता कौन थे, सैयद अहमद बरेलवी हो जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे, वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब किसने दिया था, तो ये बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया जाता है, और दिया जाता है इस समय महात्मा गांधी के द्वारा इन महिलाओं के तरफ से। तेभागा आंदोलन का संगठन किसने किया था, ये आपको बंगाल विभाजन, बंगाल किसान सभा ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। तेभागा आंदोलन का संगठन किसने किया, तो बंगाल किसान सभा ने किया। बेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था, ये हो जाता है बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पर पारित हुआ, तो ये बम्बई हो जाता है। अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश कहाँ हुआ था, तो ये पंजाब में हो जाता है, याद रखिएगा। ये जो रिवीजन है आपका बहुत ही बढ़िया है, जितना अगर देखिएगा, ये टोटल आपको अगर देखेंगे तो आधुनिक जो भारत का इतिहास है, अगर इसको बढ़िया से एक बार कर लीजिए तो अधिकतर चीज़ें आपको याद रहेगा और इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मिलेगा,
ये सारा जो फैक्ट है एकदम जुबान पे होनी चाहिए। ये फैक्ट अगर आप दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो कम से कम ये सारा का सारा फैक्ट जो है जुबान पे रहना चाहिए। और ये ऐसे सवाल समझिए कि आपसे गलत नहीं होना चाहिए, तभी जा कर के स्कोर आपका बढ़ेगा और रिजल्ट आएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ किया गया था। तरुण स्त्री सभा की स्थापना आपको कलकत्ता में होता है, याद रखिए कहाँ पे, ये देखिए कलकत्ता में हो जाता है तरुण स्त्री सभा का स्थापना। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कहता है कि सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम हो जाते हैं। ब्रिटिश शासनकाल द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था, तो ये दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं आपके। कौन हो जाते हैं, तो दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कहता है कि ब्रिटिश किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था, तो विंस्टन चर्चिल हो जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है, यह बात किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने यह बात कही थी। भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया जाता है। केंद्रीय लेजिस्लेटिव कहता है केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एवं भारत के संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपराएं डालने वाले व्यक्ति कौन थे, ये विट्ठल भाई पटेल हो जाते हैं। कौन होते हैं, तो विट्ठल भाई पटेल हो जाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, ये जॉर्ज यूली हो जाते हैं। ठीक है, 1928 में प्रथम बाद क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने दिया था, 1928 में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा किसने दिया था, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाता है HSRA के द्वारा। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किस भारतीय को कहा जाता है, तो ये बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। किस तिथि को कांग्रेस ने राजनीतिक पीड़ितों का दिन मनाया, राजनीतिक पीड़ितों का दिन 18 अगस्त 1929 को हो जाता है। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु अर्थात भारत की दो आंखें हैं, ये बात किसने कहा था, तो सर सैयद अहमद खान होते हैं, उन्होंने ही ये बात कही थी, सर सैयद अहमद खान ने। अगला देखते हैं हम लोग, किस वायसराय के शासनकाल में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किया था, तो उस समय देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय रहते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में किसने यह मत दिया था कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था, ये बात जेम्स आउटरम ने कही थी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सिंगापुर में पांचवी लाइट इन्फैंट्री के 700 लोगों ने गद्दर पार्टी से प्रेरित होकर के किसके नेतृत्व में विद्रोह किया, तो जमादार चिश्ती खान और सूबेदार डुंडे खान के नेतृत्व में इन लोगों ने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। मार्च 1925 में किस राष्ट्रवादी नेता को केंद्रीय धारा सभा का अध्यक्ष चुना गया, ये हो जाते हैं विट्ठल भाई पटेल हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, विट्ठल भाई पटेल हो जाते हैं, याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल देखिएगा, कहता है यहाँ पे कि प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो ये जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। कहता है कि सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना किस वर्ष किया गया, तो अक्टूबर 1924 में हो जाता है। 1913 में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया, तो सीताराम दास ने किया था। किसने किया था, तो सीताराम दास ने किया था। हमारे यहाँ स्पेशली BPSC के लिए और UPSC के लिए NCERT की अगर बात करें तो 6 क्लास से लेकर के 6 प्लस यानी कि 10 प्लस 2 तक जो क्लास चल रही है
वो एनसीईआरटी का फुल है, उसके साथ आपको डिस्कशन मिलेगा। और साथ ही साथ अगर बात करें तो आपको एक स्ट्रक्चर बनाना सिखाया जाएगा, आंसर का जो फॉर्मेट होता है मेंस का उसको कैसे बनाते हैं वो उसमें सिखाया जाएगा। उसके बाद देखेंगे प्रत्येक चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा। और वैधता की बात कर दें तो वैधता एक वर्ष की है, और प्रत्येक कक्षा की अगर बात करें तो घंटों की संख्या लगभग हो जाएगा 500, आपको क्लास मिलेगा 500 घंटों की क्लास मिलेगी, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और फी की बात करें तो बहुत कम है, 2500 रुपये मात्र है, और इसमें बहुत ही बेहतर चीज़ें कराई जाएगी। तो चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ ने संस्थापक अध्यक्ष तथा महासचिव कौन थे? तो यहाँ पे देखिए, इसके संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला हो जाते हैं, और महासचिव देखिए ठक्कर बाबा हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है आपका इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो ये हो जाता है आपको 1886 में हो जाता है, याद रखिएगा कब हुआ था। तो ये देखिए 1886 में हो जाता है आपका, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय पूछेगा कब हुआ, तो ये देखिए 1886 में हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहाँ चुना गया? तो ये देखिएगा 1938 हो जाता है, हरिपुरा में। कहाँ पे? हरिपुरा में, और ये गुजरात में है। अगला सवाल देखेंगे, 1820 और 30 के दशक के अंत में युवा बंगाल आंदोलन का नेता और प्रेरणा सूत्र कौन हो जाता है? तो हेनरी बेबियन डेरेज्यू हो जाते हैं, जो बहुत ही बीबीआई है, और बीपीएससी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, गद्दार पार्टी ने 21 फरवरी 1915 को भारत के किस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी? तो ये आपका पंजाब हो जाता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल देखेंगे, कहता है कि किस प्रमुख अंग्रेज सांसद और राजनीतिक ने यह स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था न कि एक सैनिक विद्रोह था? किसने कहा था? तो ये डिजराइली ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? तो डिजराइली ने कहा था। इसी के साथ हम लोग यहाँ तक रहने ही देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला एक दो एपिसोड और हो जाता है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं। इस सेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में करें, और अपने साथी संगियों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स भी करें। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।